लाल किताब जो उर्दू में लिखी गई उसको लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में, गुजराती, मराठी, हिंदी, सब में अपनी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया। कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसलेशंस गलत हुई और कुछ ट्रांसलेशन सही हुई। मैं ये नहीं कहती कि भाई सबने प्रयत्न नहीं किया, किया, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल बुक्स थी उसमें जो उन्होंने सावधानियां दी, वो सावधानियां तो आजकल हम कोई भी नहीं लेते, सीधा उपाय मांगते हैं, डॉक्टर से दवाई मांगते हैं। ये नहीं कहते कि भाई हमें क्या प्रिवेंशन करनी है। जैसे कोरोना ने हमें प्रिवेंशन बताई कि भैया हमें सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क पहनना है, उसने दवाई नहीं दी, हम सब सब सही हो गए ना, बच गए ना। ऐसे ही लाल किताब में पंडित जी ने हमें सावधानियां दी। सावधानियां कैसी कि भाई आपको कुंडली देख के ही पता चल जाए कि अगर ये युति बैठी है इसकी, उसमें इसको ये वाली सावधानी सारी जिंदगी बरतनी है वरना प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम वो नहीं करते। उसका जो गुरु और मंगल अगर युति पर है, हम उसको बोलते हैं अरे भाई तू अपने गुरु को मंदिर ले जा, मंगल को छोड़ दे। भाई उसकी सावधानियां तो बताओ। सावधानियां कोई नहीं बताता, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ टॉपिक जो लेकर आई हूँ उसमें तीन ग्रह की बात करेंगे हम, यानी तीन से चार ग्रह जो साथ बैठते हैं तो क्या होता है, क्योंकि वही इंसान जाके कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब क्या करें, ये तो इतने सारे ग्रह साथ में बैठे हुए हैं इसके, तो अब मैं किसको क्या करूं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई उपाय देना हो और हमें ये दिख जाए कि एक ही खाने में तीन से चार ग्रह बैठे हो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसका उपाय दें उसको। तो उसके लिए अगर आप मान लीजिए कि भाई किसी का गुरु शनि राहु तीनों एक खाने में मौजूद है, दो को छोड़ के, खाना नंबर दो को छोड़ के गुरु शनि राहु अगर तीनों एक ही खान किसी 1 से 12 के खाने में कहीं भी बैठे हैं, खाना नंबर दो को छोड़ के, तो ऐसे इंसान के घर में आदमियों का सुख नहीं होता, आदमियों का सुख नहीं होता। यानी आप देखोगे कई घरों में आप देखोगे कि भाई आप लोगों को कम तादाद में आदमी मिलते हैं, औरतें ज्यादा मिलती हैं, या आप देखोगे कि किसी किसी घर में आपको लड़कियां पैदा हुई और वाइफ हस्बैंड या दादा की डेथ होती है, तो हमें वहां पे लेडीज की तादाद ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है? पंडित जी तो पहले ही बता गए कि भाई ये कुंडली ऐसी है कि भाई अगर गुरु शनि और राहु तीनों ग्रह एक साथ हैं और खाना नंबर दो को छोड़ के अगर दूसरे घर में शनि राहु गुरु है, वहां पे ये कंडीशन नहीं लगेगी। ये कंडीशन 1 से 12 में बाकी घरों में जरूर लगेगी कि भाई उस घर में आदमियों का सुख कम मिलेगा, कम मिलेगा। दूसरा कि भाई वहां पे जो आपको गुरु है और शनि और राहु, ये दो जो आपके मैल्फेनिक ग्रह बैठे हैं वो गुरु को दबा देंगे, यानी गुरु को दबा देंगे, यानी उम्र आदमी की। गुरु क्या है? मेल ग्रह है। आदमी की उम्र, घर की फैमिली के आदमी की उम्र लंबी नहीं खींचने देंगे। अब इसमें आप क्या उपाय दोगे सामने वाले को? आपने देख लिया बंदा आ गया, अब आप ये देखो कि भाई गुरु की क्या उम्र हुई? 16। शनि की क्या उम्र हुई? सुमित जी अनम्यूट करके बताएं, शनि की उम्र, आज आपका टेस्ट हो जाएगा। 36 मैडम, जी आई वॉज गोइंग टू से 36। करेक्ट। राहु की? राव की 42। करेक्ट। तो अब आप ये देखिए कि इस आदमी जिसकी कुंडली में या औरत की कुंडली में ये युति मौजूद है, उसके 36 साल से लेके 42 की उम्र तक कुछ ना कुछ घर में आदमियों पे घटना घटेगी। और ये घटना कौन घटाएगा? इन तीनों ग्रह में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो इसका जिम्मेदार बनेगा? कौन बताएगा मुझे? गेस। राहु, शनि शनि शनि, राहु राहु ना, इसमें आपका जो काल बनकर आएगा वो बनकर आएगा शनि। अब वो डिपेंड करेगा 1 से 12 के खानों में शनि का बैठना।
मान लीजिए शनि एक में बैठा है, शनि एक में बैठा है, शनि के साथ गुरु और राहु एक खाना नंबर एक में बैठे हैं, जमीन किसकी है? मंगल की। मंगल और सूर्य ऊंच का है। जी सूर्य तो ऊंच का है, जमीन मंगल की है, और यहाँ पे जो है नीच कौन होते हैं? शनि। सैटर्न। तो यहाँ पे किसकी उम्र कम होगी? जो बंदा आदमी कुंडली मेल, अगर ये आदमी है जिसकी कुंडली है, अगर ये औरत है, अगर ये औरत है तो किसकी उम्र कम होगी? उसके पति की, हस्बैंड की। हस्बैंड की। जी और अगर सातवें घर में कोई नहीं है, सातवें घर में कोई नहीं है, केतु तो होगा भाई, केतु तो होगा ना वहाँ पे। हाँ होगा होगा। ठीक है, अब ये किसको मारेंगे? बेटे को केतु यानी बेटा। जी केतु बेटा या मामा। अब मामा कौन सा? मामा भी बड़ा दूसरे नंबर पे मामा होना चाहिए। तो ऐसी जो आप देखोगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस ग्रह को हम यहाँ से हिलाएंगे? शनि को मैम। शनि को मैम। और कब हिलाएंगे? जब ये दशा चल रही है? नहीं, जब शनि की उम्र आने वाली है, क्योंकि ग्रह काम अपनी उम्र के मुताबिक ही करते हैं, ग्रह काम अपनी दशा के मुताबिक ही करते हैं। अब शनि की जब उम्र आएगी, शनि के अंदर राम जी तीन कौन से ग्रह चलते हैं? 35 साल चक्र में, वो 35 साल चक्र में तो वो तीन वाला ग्रह मेरे पता नहीं है मैडम, मगर तीन दशा होती है समझ में आ रहा है, वो पता हाँ, नहीं है, वो जरा बताइए वो कैसे हाँ, करते हैं। देखो वो आप तो लाल किताब वास्तु में भी हो ना। हाँ, तो वहां पे ये टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रही हूँ कि लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। पंडित जी ने ऐसी कहानियां नहीं लिखी, पंडित जी ने ऐसे ही वो नहीं लिखे, उन्होंने लॉजिक को समझा। लॉजिक से आप पकड़ोगे लाल किताब तो आप सारी जिंदगी याद रखोगे, खाली रट्टा मारने जाओगे या सिर्फ उसमें रेमेडीज ढूंढने जाओगे तो आप किसी की भी मदद नहीं कर पाओगे, अपना ही नुकसान करोगे। क्योंकि सामने वाला ये जब बोलेगा कि भाई मेरा राहु मुझे बहुत तंग कर रहा है, मेरे घर में सीलन आ रही है, पानी की भी वो है आमदनी हो नहीं रही और जो है तबीयत खराब रहती है, लेकिन इतने डॉक्टरों के पास घूमा किसी ने इलाज नहीं किया आज तक, आपने सीधा जान लिया कि राहु खराब है। लेकिन राहु खराब है और आप कहोगे जी राहु का उपाय, भैया एक काम कर तू जो है ना इतना 4 किलो लेड ले ले, 6 किलो लेड ले ले, 8 किलो लेड ले ले, जाके पानी में डाल दे। उससे पता है क्या होता है? आप में से कोई बताएगा मुझे क्या होता है? मैम द फिशेस विल डाई एंड देन योर सन विल गेट अफेक्टेड। करेक्ट सुमित जी, ये आपको अच्छे से याद है। तो हम अपना शनि बिगाड़ते हैं, शनि बिगड़ा तो कौन सा ग्रह बिगड़ेगा? अब बताएं सुमित जी कौन सा ग्रह बिगड़ेगा? आई एम प्राउड ऑफ यू सुमित जी कि आपको क्लासेस अभी भी याद है। अगर शनि बिगड़ा हमारा तो गुरु खराब हो जाएंगे, और अगर जिसकी कुंडली में गुरु खराब है उसकी आधी से ज्यादा कुंडली ही खराब है, क्योंकि गुरु है किस्मत। अगर आपकी किस्मत ही बिगड़ गई तो आप किस किस को सुधारते फिरोगे? हर दशा आएगी आप इलाज ही करते रहोगे। तभी अगर आप देखो तो बजाय इतना बड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख के देने को ये करो ये करो, आपको पता है मेरे पास पंडित जी के हाथ से लिखे हुए, जब वो पंजाब में होते थे वो अपना स्टैम्प पहले तो शुरू में वो बनाते थे, फिर उनका जब थोड़ा सा और चला तो किसी ने उनको एक स्टैम्प डोनेट मतलब गिफ्ट किया, तो वो फिर उसी से करते थे। उनके पता है सिर्फ दो उपाय होते थे और 4-5 सावधानियां होती। आजकल क्या होता है हम 100 उपाय देते हैं और सावधानियों को तो जिक्र ही नहीं करते। उसको बोलते हैं कि भाई दिन में संभोग मत कर, वो कहेगा हाँ भाई मेरा तो रात की ड्यूटी है मैं कैसे करूं, तो ठीक है अब आप देख लो अपने आप। वो कहेगा अच्छा ठीक है तू ये उपाय कर दे,
और उपाय में भी पंडित जी ने कुछ सावधानियां बरतने को कही है, हम वो भी फॉलो नहीं करते। हम सामने वाले को सिर्फ ये सोच के दे देते हैं कि भाई ठीक है, इसका इसके साथ, मेरा मेरे साथ, लेकिन आप उसका भी अपने साथ लेकर आ रहे हो। सही जवाब दीजिए, सही उपाय दीजिए, हमेशा उपाय नहीं सावधानी भी साथ में दीजिए। हर जगह पंडित जी ने सावधानियां हमें दी हैं और सावधानियां बरतने से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसे इसमें लाल किताब में कई कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारी कुंडली, और आप ये सोचो कि पंडित जी जो थे उन्होंने कितना दूर का देखा। आज सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में लाल किताब की जरूरत है। तब तो उस समय कम पड़ती थी क्योंकि लोग जो थे वो फिर भी जो अपने दिन के जो गुजारते थे टाइम, वो थोड़ा सा अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ गुजारते थे। आजकल तो हम सिर्फ गलतियां ही करते हैं। आजकल आज के टाइम में लाल किताब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, क्योंकि हमें हर पल हमें जरूरत पड़ती है कि भाई चलो किसी को दिखा देते हैं कुंडली, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरा पैसा क्यों फंस गया, मेरे को ही प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरा बच्चा क्यों बीमार है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, मुझे क्यों नहीं जायदाद मिली, मेरे पिता ने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीजें आज हम ज्यादा सोचते हैं बजाय उस टाइम के। लेकिन उस समय जो थे पंडित जी, उन्होंने दूरदर्शी थे, उन्होंने सब देख लिया कि भाई आगे आने वाली जनता ऐसी होगी, और उनके उपाय जो है काफी हम लोग गलत तरीके से यूज कर करके दे रहे हैं। कई बार आप मानोगे नहीं कि कुंडली आती है सामने और कोई उपाय नहीं चाहिए, उसको सिर्फ सावधानी चाहिए, कुछ गलत कर रहा होता है वो अपनी जिंदगी में, कुछ गलत रंग पहन रहा होता है या कुछ चीज उसने अपने घर में गलत रखी होती है, उसी से उसको सब चीजें आ रही होती हैं। और हम क्या सोचते हैं, उसको लंबी लिस्ट पहुंचा देते हैं, इस दिन तूने ये करना है, इस दिन तूने ये करना है, इधर जाना है, इधर दान देना है, इधर पानी में डालना है, और पानी में डालने से पहले जी अपने सर से उतार के डालो। अरे भाई अपने सर से उतार के डालो, ग्रह है वो, कोई भूत पिशाच थोड़ी है। आप अपने सर से ग्रह नहीं उतार सकते, ऊपर वाले ने ग्रह जो लिख के भेजे हैं आपकी कुंडली में, वो आप अपने साथ पिछले जन्म से लेकर आए हो। सिर्फ उनका इस्तेमाल सही करें, सही इस्तेमाल में ही आपको लाल किताब फायदा ही देगी। तो जो जर्नी हम करने जा रहे हैं लाल किताब की, उसमें आपको सही तौर तरीके और लॉजिक से हर चीज पढ़ाई जाएगी कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा कहा गया, ताकि वो आपको याद रहे, बजाय इसके कि भाई जो लोगों ने सुना, दूसरों से समझा, उन्होंने बता दिया। अब किसी की यहां पे कोई प्रश्न है तो पूछें, तो या किसी की कोई कुंडली है तो हम वो लगा सकते हैं। जी ऐश्वर्या जी। नमस्ते मैम। नमस्ते ऐश्वर्या जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक। अच्छा मैम, मेरे थोड़े से क्वेश्चंस हैं। एक तो सबसे पहले कि ये एडवांस कोर्स है तो बेसिक का आना जरूरी है, क्योंकि मेरे को लाल किताब बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, तो कैन आई जॉइन दिस कोर्स? ऐश्वर्या जी, बेसिक का आना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि लाल किताब दो भागों में बटी हुई है, एक है ग्रामर और एक है ये एडवांस। हमारा अभी ही रिसेंटली शुरू हुआ है लाल किताब वास्तु, उसके अंदर हम बेसिक काफी कवर करेंगे, अभी उसकी दूसरी क्लास ही हुई है। तो वो अगर आप, हाँ वो अगर आप साथ ज्वाइन कर लेते हो तो आप इसको पॉप अप कर पाओगे। वो कितना, 2 महीने का आपका बेसिक? हाँ जी, वो भी 2 मंथ्स का है। ऐसा बोलते हैं कि लाल किताब हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता और बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जो लाल किताब कर सकते हैं, तो ये सच है क्या? अगर सच है तो हम कैसे पता करें कि हम कर सकते हैं कि नहीं?
एक तो कि भाई कोई भी विद्या आपको अपने आप अपनी तरफ खींचती है, ये बात तो सच है। अगर आपकी किस्मत होगी तो आप अपने आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है। और लाल किताब बहुत लॉजिक एंड साइंटिफिकली डिजाइंड पद्धति है, वो अगर आप उसका बेस समझ लो तो कोई भी सम कर सकता है। गलत चीज नहीं करें, क्योंकि लोग गलत चीजें करके ही बाद में उसका रेपरकशंस को वो लेते हैं अपने ऊपर, जो चीजें उनके आती हैं फिर वो यही कहते फिरते हैं कि भाई लाल किताब तो शापित किताब है, इसको तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, और हर कोई नहीं कर सकता। बट मैं आपसे एक चीज कहूं, मैं बचपन से जो है लाल किताब मैंने देखी है, लोगों मैंने अपने घर में उपाय सुने हैं, मेरे चाचा दादा और परदादा ने करवाए हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीज होती है और कहाँ पे क्या चीज नहीं होती है। अगर वो लॉजिकली आप समझो ग्रहों को पंडित जी के उससे अनुसार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन मैडम, ये प्रॉब्लम ये होगा कि अगर मैंने वो लाल किताब वास्तु का कोर्स ज्वाइन भी किया तो वो ऑलरेडी 2 महीना चलेगा, तब तक ये आपका जो एडवांस ऑलरेडी चालू हो चुका रहेगा, तो नहीं ये अभी चालू होगा, ये वाला जो आज वेबिनार है इसका कोर्स अभी चालू होगा, वो जो लाल किताब वास्तु है वो चालू हो चुकी है। तो एग्जैक्टली, तो मेरा बेसिक कवर नहीं होगा तो मैं एडवांस किससे ज्वाइन कर लूंगी पहले? नहीं, क्योंकि बेसिक आपको एटलीस्ट साथ साथ में आइडिया मिलता रहेगा कि भाई जो हाँ जो ग्रामर है, जो पंडित जी की ग्रामर है जिसके बेस पे उन्होंने पूरी लाल किताब रची है, वो आपको आइडिया मिलता रहेगा, तो आप आगे बढ़ते रहोगे ना साथ साथ। मैडम, सूर्य मंगल बुध खाना नंबर 8 में हो तो? सर, सूर्य मंगल बुध, सूर्य मंगल बुध अगर खाना नंबर 8 में हो तो आप मुझे ये बताएं कि मंगल ये 8वीं की जमीन किसकी जमीन मानी जाती है? मंगल की। और ये जमीन कैसी है कैलाश जी? मंगल बध होता है। और एक चीज और, यहाँ पे मंगल ग्रह फल का ग्रह है कि राशि फल का ग्रह है? ग्रह फल का है। तो हम मंगल को हाथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं मैम, नहीं लगा सकते। अच्छा, डेरिंग भी नहीं करना। हाँ, और अगर अगर सूर्य वहाँ पे हैं, इन तीनों में से कैलाश जी सबसे बुरा ग्रह कौन सा माना जाएगा? बुध। यस, तो हम बुध को वहां से निकालेंगे। बुध को निकाल के आप कहाँ लेके जाओगे? धर्मस्थान, सेकंड हाउस। नहीं नहीं, धर्मस्थान में नहीं लेके जाएंगे इसको। अरे थूकता हुआ कोड़ी हो जाता है भाई। राइट, मतलब वो तो ऐसा हुआ कि वहाँ वो एक कहावत है ना, यहाँ से निकले और वहाँ जाके वो आसमान से गिरे खजूर में, खजूर पे लटके। Yes, madam. तो क्या करोगे आप बुध के साथ? फोर्थ हाउस में लेके जाएंगे। तो क्या करोगे आप बुध के साथ? ले जाएंगे धर्मस्थान, क्यों नहीं ले जाएंगे? धर्मस्थान इसलिए नहीं लेके जाते कि वो भी जो है वो बुध ऐसा है कि पिंजरे में, वो जैसे कि किसी ने आपको आके आपके पैसे को पकड़ लिया हो। बुध अगर आपका, अब जैसे इन्होंने पूछा कि भाई सूर्य बुध और मंगल 8वें का है, अब मुझे आप ये बताओ कि दूसरे खाने में कोई है या खाली है? दूसरे में शुक्र है। हाँ, तो यहाँ से अब इतना लंबा शुक्र कैसे है भाई? मैं वही तो सोच रहा, इतना बहुत दूर निकल गया ना, एक घर पीछे चले। वर्षफल की कुंडली है क्या ये? सर, वर्षफल की कुंडली है क्या? नहीं नहीं, ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में हो ही नहीं सकता। आपका शुक्र खाना नंबर 2 में हो। नहीं, कन्या लगन की सर, कन्या लगन की कुंडली है, लेकिन वहाँ पे राशि 7 नंबर आई ना। आपके दूसरे खाने में ग्रह कौन सा बैठा है? कोई नहीं है। हाँ जी, कोई नहीं है दीदी, कोई नहीं। मैम, सबको आवाज
मैम अगर वर्षफल में सूर्य और बुध आठवें में और सेकंड में राहु हो तो क्या करना पड़ेगा वर्षफल की बात करें। एक सेकंड रीमा जी, पहले हम इनको जवाब दे दें, यानी इनका दूसरा घर खाली है, ठीक है? ये तो शुक्र बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने राशि की वजह से बोला। ओके, 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 दूसरा घर खाली है ना आपका? शुक्र नौवे घर में है। हाँ शुक्र नौवे, वो सही है। अब दूसरा घर खाली है तो क्या ये तीन ग्रह जागे हुए हैं कैलाश जी? जी सर, ये तीन ग्रह आपके जागे ही नहीं है। अब ये अगर आपकी कुंडली है, अब ये जागे हैं क्यों? क्योंकि आपकी वो उम्र का पड़ाव पार हो चुका है। yes. तो इस केस में आपको एक ही चीज करना है कि आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा और सूर्य को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब सूर्य को कैसे निकालेंगे यहाँ से कैलाश जी? रनिंग वाटर में अपन ये डाल सकते क्वाइन। नहीं, इनको पहले ये तो पूछ लो कि चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा है। चौथे में कोई, चौथे में कोई नहीं है। पांचवे में कोई नहीं है, पांचवे में भी कोई नहीं है, चौथे में भी कोई नहीं है। तो सूर्य इनके लिए कहाँ ले जाना अच्छा रहेगा? आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो इनका सूर्य हमें कैलाश जी कहाँ लेके जाना चाहिए? थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस में, क्योंकि सूर्य किसका दोस्त है? मून का, चंद्र का। अरे मंगल का, मंगल का, मून मंगल उनका फ्रेंड है। सूर्य सूर्य दूसरे खाने में जाके बैठेगा तो वो क्या करेगा? अपने दोस्त को हाथ बढ़ाएगा ना मदद का, मंगल को, तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करेगा वो। करेक्ट। और बुध का उपाय करना पड़ेगा। बुध को हम कहाँ लेके जाएंगे? सिक्स हाउस में। अरे सातवें घर में, सातवें पार्टनरशिप बिजनेस का है। करेक्ट। करेक्ट 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 मैम, सॉरी सॉरी, करेक्ट। सेवन हाउस में। सारी प्रॉब्लम सॉल्व इतनी आसानी से? फर्स्ट हाउस में क्या है दीदी उसका? आपके पहले घर में क्या है? पहले घर में शनि है। लो, अब वहां पे भी शनि है, तो हम बुध को सातवें घर बिठाएंगे तो क्या करेगा वो? वो खत्म करेगा मैडम। नहीं खत्म करेगा, बुध उसका दोस्त है, वो शनि को अपनी तरफ खींच लेगा। और शनि सातवें में क्या है? गुरु है। गुरु कहाँ पे है आपके? कहाँ पे सर? सेवेंथ में गुरु है। अच्छा, सेवेंथ में गुरु है, तो बुध को फिर आप जो है उसको हम सातवें खाने में नहीं ले जा सकते, क्योंकि बुध को हम सातवें खाने में फिर नहीं ले जा सकते। बुध को जो है हम या तो दसवें खाने में लेके जाएंगे ताकि आपका व्यापार बढ़े, वहां पे आप उसको ले जा सकते हो, वहां पे व्यापार बढ़ेगा। और उसको ले जाने के लिए आपको जो है क्या, दसवें खाने में अगर हम बुध लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा कैलाश जी? दसवें खाने में अगर हमें बुध लेके जाना है, दसवां खाना है पहाड़, और आपकी पहाड़ का। हाँ जी, तो आपके घर में आपको एक लोहे के डिब्बे में, ठीक है, साबत मूंग, ठीक है, साबत मूंग जो होती है उसको आप हरे कपड़े में बांध के उस डिब्बे में डाल के वेस्ट साइड पे रख दोगे तो आपका बुध आठवें घर से निकल के दसवें घर चला जाएगा। हरे हरे कपड़े में बांध के लोहे के डिब्बे में, लोहे के डिब्बे में, वेस्ट साइड जी। हाँ जी मैम, एक मेरी उसमें डाउट है, मेरी कुंडली में बताइए कि खाना नंबर सात में शुक्र शनि और मंगल तीनों एक साथ हैं। हाँ, तो आपके यहाँ पे शनि और शुक्र दोनों अच्छे, ठीक है, मंगल सात में वैसे भी खराब नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, और सेकंड नंबर में मैम केतु है, तो केतु वहां पे जो है आपका ग्रह फल का ग्रह है, केतु का आप कोई इलाज नहीं कर पाओगे, केतु को आप हाथ नहीं लगाओगे। बेटा है आपके? हाँ जी बेटा है मैम। तो फिर केतु को बिल्कुल नहीं छुओगे।
अच्छा अच्छा ठीक है। आपके हस्बैंड, आपके हस्बैंड थोड़े से गुस्से वाले हैं? नहीं मैम, ठीक है, हस्बैंड तो गुस्से वाले नहीं है। इसमें एक जो है सीक्रेट हमारे पास है जो कि कोई नहीं सिखाता लाल किताब पढ़ाते हुए। वो आपको जब वो अपनी कुंडली पढ़ोगे आप तो हैरान रह जाओगे कि मेरी लाइफ को आज तक मैं ऐसे ही देखता रहा। वो चीज जो है हम आपको क्लास में ही बताएंगे, क्योंकि वो लाल किताब जो है एक अलग तरीके से जो पंडित जी ने लिखी, वो लाल किताब आज तक आप लोगों ने ना सुनी होगी ना आपके पास आई है, क्योंकि हर लोग अपनी गलत गलत चीजें करके अपना भी नुकसान कर रहे हैं और सामने वाले का भी कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि भाई जो है आप सही से लाल किताब करें, जिसमें आपको जैसे छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे अभी हमने उनको कहा कि भाई अपना बुध ही लाओ ना वहां से, और है भी बिजनेस वाले। तो मैम थोड़ा सा मेरे को हेल्थ के हिसाब से पूछना था कि मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब। हाँ तो रंजना जी, उसके लिए आपको वर्षफल देखना पड़ेगा, वर्षफल बनाना पड़ेगा, क्या उम्र चल रही है, कौन सा ग्रह आपका एक्टिव है, वो सब देखना पड़ेगा ना, और कौन कितने सालों से आपको ये तकलीफ चल रही है, तो वो जो है वो वहां से हमें पता चलेगा। हाँ जी। आपकी लगन चार्ट तो जिस समय आप पैदा होते हो उस समय की पिक्चर है। हाँ जी। जो वर्षफल है वो आपका ट्रांजिट है, गोचर है, वर्षफल ही लेके आपको बताएगा इस साल आपके साथ क्या क्या घटित होगा। जी मैम। आप क्या क्या कराओगे कोर्स में? आठ नंबर के खाने में। कौन पूछ रहा है? एक सेकंड, आपने हाथ खड़े करके बात करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हाथ खड़े हैं। मैं जिगर शाह जी का क्वेश्चन लेती हूँ। जी जिगर शाह जी, अनम्यूट करके पूछे। मैडम मेरे किताब के हिसाब से जो मैंने पढ़ा था उसमें छत से पानी लीकेज होता है, और वो सही है, करेक्ट हुए, और वो मैं कहीं 10 साल से उससे कोशिश कर रहा हूँ उसको सॉल्यूशन करने, मगर वो लीकेज होता ही है, तो उसका कोई सॉल्यूशन होता है ग्रह के वजह से? वो वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? सर ये जो छत से पानी लीक होता है, वो पानी जो 12वां घर है वो हमारा आसमान है, ठीक है। आठवां घर में राहु है तो वो आपको पैसे की दिक्कत देगा, यानी दृढ़ता कि भाई शमशान का पागल हाथी, ठीक है, उसके साथ शुक्र है, ठीक है। ओके। और साथ में आपने कौन सा ग्रह बोला? सूर्य, सूर्य शुक्र और राहु। सूर्य शुक्र और राहु, सूर्य का तो चलो आठवें से इतना कुछ हम लोग नहीं देखते, क्योंकि सूर्य का है तो वो अपने उसकी मित्र की खराब जमीन है, लेकिन यहाँ पे दो ग्रह जो खराब हैं वो आपके शुक्र और राहु खराब है। तो राहु जो है वो दृढ़ता देता है, यानी घर में जो है ना जैसे पैसा खर्चना अपनी मर्जी से, वो नहीं होके जैसे कोई प्रॉब्लम्स में ही पैसा खर्चा होना, वैसी प्रॉब्लम देता है। लेकिन ये जो राहु है ये आपका उस वक्त का था जब आप पैदा हुए, आठवें का। अभी आपको वर्षफल में देखना पड़ेगा कि ये राहु की जो युति है ये कौन से खाने में घूम रही है, उस हिसाब से आप अपना इलाज कर सकते हो। जो पानी का लीकेज है, 12वें घर में कौन बैठा है? 12वें घर खाली है। 12वां घर खाली है, छठे में? छठे में प्लूटो है। ओके। और दूसरे में? दूसरे में केतु। दूसरे में केतु है, ओके। ये भी ग्रह तो, और यहाँ पे आपके 12वें में बिल्कुल खाली है। हाँ 12वें खाली है। पहले में कौन है और 11वें में कौन है? 11 में गुरु है और पहला लग्न है, फर्स्ट लग्न है, मैं तो खाली है। 11वें का गुरु, आप अपने घर से बाहर हो? नहीं घर में हूँ। मतलब कि आप अपने जहाँ जन्म स्थान से दूर हो? नहीं सेम सिटी में ही हूँ, सेम एरिया अलग है बाकी सिटी सेम है। कितने कदम दूर हो उस जगह से? हो गए 10-12 किलोमीटर। पिता के साथ रहते हो? पिता की डेथ हो चुकी है। 11वें का गुरु का कौन बताएगा यहाँ पे, किसको याद है 11वें का गुरु? राकेश जी, कफन वो करना है उसको, कफन चढ़ाना। 11वें का गुरु कफन दान करना पड़ेगा उसको। अरे सर कफन दान तो बाद में, हिदायत क्या थी, सावधानी क्या थी? साकंड का जमीन पे है, साकंड का जमीन पे गुरु है, तो गुरु जो है वो अपने शनि के हिसाब से ही काम करेगा।
करेक्ट, आपको सबसे पहले लाइफ में जिगर जी हमेशा अपने हाथ में कॉपर का कड़ा पहन के रखना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अपनी भाव चलित की कुंडली में देखिएगा क्या गुरु बारहवें का तो नहीं होता। चलित कुंडली कौन सी, भाव चलित का है आपने? भाव चलित केपी में भाव चलित आती, केपी में आएगी। ओके हाँ केपी में है, केपी कहाँ गया, कहाँ गया गुरु? केपी कुंडली है मैडम, उसमें मैं बताऊँ गुरु कहाँ है? हाँ केपी में 11 में ही है। और राहु 8वें में ही है? हाँ 8वें में ही है। और वहां से कौन सा ग्रह हिला? मंगल बुध भी है। वही सेम ही है मैडम जी, वो नॉर्मल कुंडली देख रहे, भाव चलित नहीं देख रहे। हाँ वो भाव चलित पे, लेकिन एक ही चीज मैं आपके लिए कहूँ, 11 के गुरु के लिए पंडित जी ने साफ कहा लवारिस लाश, ये इंसान अपने घर से बाहर मरता है, इसीलिए 11वें के गुरु के लिए हमेशा अपने हाथ में सूर्य की मदद लीजिए। और आपका तो सूर्य भी 8 का है, तो आपके पिता की जो मृत्यु है वो आपकी किस उम्र में हुई? 5 साल पहले हुई, अभी 2017 में। क्या उम्र थी आपकी? मेरी उस टाइम 42। किसकी उम्र आई यहाँ पे? राहु। राहु राहु कहाँ बैठे हैं इनके 8वें घर में? अच्छा हाँ, और राहु जो है आपको जैसे ही आप तांबे का कड़ा पहनोगे हाथ में, आपको बहुत मदद मिलेगी लाइफ में जिगर जी। क्या करना है मैडम? तांबे का बेजोड़ कड़ा अपने हाथ में पहनिए। ओके तांबे का राइट हैंड में। राइट हैंड में ओके जी। पैसों का जो है प्रॉब्लम्स जो वो उसे सॉल्व हो जाएगा कि और उसका कोई सर, उसके लिए तो पूरा वर्षफल देखना, आप क्लास ज्वाइन कीजिए, वर्षफल बनाए। ओके जी, आई थिंक नीति जी प्लीज टेक वन क्वेश्चन बिकॉज़ कई सारे हाथ खड़े हैं। हाँ जी, एंड प्लीज कीप योर मोबाइल ऑन, कवर क्या, कीप योर मोबाइल वीडियोस ऑन ताकि क्वेश्चन लेने में इजी हो। सब्जेक्ट में क्या कवर कराएंगे, गिव अस 5 सर, कोई पूछ रहे हैं 5 मिनट दे, जो कवरिंग होगी वो वी विल लेट यू नो ऑन द स्क्रीन। 5 मिनट दें आप, क्वेश्चंस ले लें इनसे। प्रेरणा जी आपका क्वेश्चन लें, प्रेरणा जी आप पूछें। हाँ जी गुड इवनिंग मैम। मैडम जी एक चीज बताए ना, बेजोड़ तांबे का कड़ा पहनना है, बेजोड़ का मतलब जी क्या सर? जिसमें तोड़ नहीं, मतलब एक ही उससे जोड़ का बना हो, जो कड़ा है ना वो जोड़ पूरा एक ही जोड़ का हो, और उसमें कहीं भी वो कैप नहीं, सोल्डरिंग हो सकती है, उसको बफ कर देते हैं वो जोड़ के ना, मतलब अच्छा, वो उसको मिला देते हैं, तो वैसा कड़ा, मतलब जैसे तांबे के आजकल कड़े आते हैं ना ओम नमः शिवाय लिखे हुए जो टूटा हुआ होता है आधा, जैसे ब्रेसलेट टाइप, वैसा नहीं। और बीच में कटर लगा हो तो वो नहीं लेना है, जोड़ वाला ही लेना है, पूरा पूरा एक एक जैसे बैंगल। अच्छा ओके ओके थैंक यू जी। गुड इवनिंग मैम, मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। आप मैम जैसे आपने बताया कि जैसे अगर हमें किसी प्लैनेट को शिफ्ट करना है, मान लीजिए सूर्य को फोर्थ हाउस में या सेकंड हाउस में लेके जाना है, तो हमें वो ग्रह फोर्थ हाउस में कौन सा है ये हम लगन कुंडली से देखेंगे या वर्षफल में या फिर गोचर में? प्रेरणा जी ये हम आपकी दशा 35 साला चक्र से भी देखेंगे, हम आपकी जो वर्षफल की जो कुंडली बनेगी उससे भी देखेंगे, महीना कुंडली, दिन कुंडली, मिनट कुंडली से भी देखेंगे। अच्छा मतलब उस जगह पर उस प्लैनेट का एंटी नहीं होना चाहिए जी। तो मैम ऐसे तो फिर सब टाइम कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। देखो आता है लेकिन उसका एक तरीका होता है, और उसको कुंडली को पढ़ने का लाल किताब से एक तरीका होता है कि वो ये पता चलता है, इन लाल किताब जो है ना वो आपकी उम्र की बेस्ड है, अगर आपकी 32 साल की उम्र है तो हम वो 32 साल वाले ग्रह को पकड़ के पूरी कुंडली को निर्माण करते हैं, ऐसे ही चंद्रमा कुंडली बनती है, तो चंद्रमा
कुंडली जो है वो आपके इवेंट्स का कारक हो गया। तो जब इवेंट्स घट रही हैं लाइफ में तो उसको देखने के लिए हम चंद्रमा कुंडली का निर्माण करते हैं, फिर चंद्रमा कुंडली से भी वर्ष फल बनता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो लाल किताब में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को कोई इलाज देने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो कोर्स में सिखाई जाएंगी ताकि आप कहीं भी गलती ना करो। ठीक है मैम, बस थैंक यू मैम। जी जी शीतल जी। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम? बस ठीक। मैम एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, सिक्स हाउस मैम शनि राहु वर्ष फल में शिफ्ट हो गए सिक्स हाउस में, एंड सेवेंथ हाउस में बुध सूर्य गुरु और शुक्र आ गए वर्ष फल में। ओके, दूसरे खाने में कौन है? मैम खाली है। खाली है, ओके। और शनि और राहु जो है सिक्स में आए हैं, अब यहाँ से किस ग्रह को आप हटाने की कोशिश करोगे? मैम यहाँ पे तो शनि भी वो है, ग्रह फल का ग्रह है, नहीं हटा पाएंगे। तीन शनि यहाँ पे ग्रह, शनि यहाँ पे ग्रह फल का ग्रह नहीं है, यहाँ पे राहु जो है वो ग्रह, राहु यहाँ पे उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, तो शनि को जो है आप शनि का उपाय कीजिए ना, छह जो छह वो तेल की बोतलें पताल में दबानी है वो दबाएंगे। और इस साल जो सबसे बड़ी हिदायत क्या है, कौन बताएगा? कैलाश जी बताए हिदायत क्या है सबसे बड़ी शनि छह की? मैडम यहाँ गणपति बप्पा है, बहुत साउंड है। अच्छा ओके, बहुत साउंड है। मंदिर नहीं जाना, तिलक नहीं मैम, कुछ भी लेदर की चीज नहीं लेनी है। करेक्ट, कुछ भी चमड़े की जूते तो बिल्कुल नहीं लेने। सबसे बड़ी हिदायत यही है। और जो पूनम जी उससे मंदिर जाने का कोई रिलेशन नहीं है, आप शनि छह के हैं तो पहले तो वो छह बोतलों वाला करोगे, छह बादाम छिलके वाले पानी में जल प्रवाह भी कर सकते हो या उसको पाताल में भी डाल सकते हो जब तक पूरा साल खत्म नहीं होता। और दूसरा, छह शनिवार या 43 दिन अगर इंसान जो है उसका छठा घर, यानी उसको कोर्ट केस है, लीगल केस है, या उसके ऊपर ऋण है, या काम धंधा बहुत खराब है, पैसा नहीं आ रहा है घर में, तो ये जो तेल वाला उपाय है, बॉटल, कांच की बॉटल में तेल भर के पाताल में दबाने वाला उपाय, ये आप उसको 43 दिन करवाएंगे। कांच की बॉटल में तेल भर के, और आपने बताया था पानी के पास वो जमीन होनी चाहिए दबाने के लिए, पानी का नदी का किनारा जहाँ पे ऐसे थोड़ा सा खोदो तो पानी आ जाए। एक बोतल पर डे 43 बोतल। हाँ, और शनि की होरा में, शनि की होरा में करेंगे मैम? शनि की होरा में नहीं, सूर्य सूर्यास्त से पहले करोगे, लेकिन करवाओगे शुरू उनको शनिवार वाले दिन। यस मैम, ये सारी प्रॉब्लम है, लिटिगेशन भी है, लोन भी है, एंड वो पैसा इनकम भी रुकी हुई है इस टाइम पे बिल्कुल। ये अभी मैम 5 अगस्त को चेंज हुआ है वर्ष फल। हाँ, तो बस उसमें ये उपाय जल्दी करवाएं और उससे काफी फायदा मिलेगा। मंगल एक है मैम, और इसमें मंगल एक में आ गया है इनका। हाँ, तो मंगल एक में कोई प्रॉब्लम नहीं, मंगल वो तो मैम अपनी जमीन का है मंगल। हाँ, वो तो हम नहीं हाथ लगा सकते। और राहु छह में भी खराब नहीं है, राहु छह भी अच्छा है, दूसरा घर खाली है तो वहां पे इस साल तो हम दूसरे घर आपके धर्म स्थान में कोई लेके भी नहीं जा सकते ग्रह, तो इसीलिए जैसे पूनम जी ने अभी कहा कि मंदिर नहीं जाना, मंदिर तो जा सकते हो लेकिन कोई सामान आप वहां से ना ला सकते हो ना दे सकते हो, मतलब मंदिर में ऐसे जैसे मत्था टेकते हैं कुछ चढ़ाते हैं वो नहीं करना। हाँ, तो मंदिर की दहलीज पार ना करें, मैं मंदिर के बाहर से ही खड़े होकर नमस्कार कर सकते हैं भगवान को। ओके, एंड मैम ये जो सूर्य बुध गुरु शुक्र सेवन में है मैम, इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य बुध तो उसमें बुध वहां पे अच्छा है, गुरु साथ में है तो उसने भी कह दिया कि भी मंदिर ना जाओ, और शुक्र सा अपनी जमीन के हो गए, सूर्य साथ में नीच के होते हैं लेकिन इतना कोई भी तोहमत लग सकती है। सूर्य को आप ले जा सकते हो
जैसे कि चौथे उसमें, लेकिन पहले शनि का उपाय कीजिए। हर उपाय जो है एक एक ही समय में एक ही उपाय होता है, हम सारे उपाय एक साथ नहीं कर सकते जी। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट जी। आपका प्रश्न पूछे जी, आपका प्रश्न पूछे जॉन जी, आपका प्रश्न पूछे। हाँ जी जॉन जी पूछे। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये क्या बोलता मंगल भट्ट है ना जी, 4-8 नहीं नहीं जो क्या बोलता मंगल, ये लड़की ये है बोलते ना मंगल, क्या मंगलिक? हाँ मंगलिक, उसका उपाय क्या है दीदी? सर उसका मांगलिक है तो मंगल उसकी कुंडली में कहाँ बैठा है? ने कभी कभी सूर्य और सैटर्न साथ में बैठा रहते तो मांगलिक हो जाता है ना। हाँ जी। और कभी चार में बैठा होता, मतलब कि उसका उपाय कैसा, कोई उपाय तो होगा ना? देखो आपका मंगल मंगलबद्ध होना कैसा हुआ कि मंगल 4 या मंगल 8 सबसे ज्यादा मंगलबद्ध, ठीक है। अब वहीं पे अगर आपके सूर्य शनि बैठ जाएं तो सूर्य शनि का जो मनसनुई ग्रह बनता है क्या वो क्या है? सूर्य शनि का मसनुई ग्रह यहाँ पे कौन बताएगा? राकेश जी बताओ मसनुई क्या है सूर्य शनि का? कमाल करते हो आप, सब पढ़ाई करने के बाद भी मंगल पद मंगल बद तो बनता है, लेकिन वो अगर चौथे घर में है तो वहां पे मंगल 4 हो गया ना, मतलब बहुत ज्यादा खराब मंगल। तो मंगल 4 और मंगल 8 का हमने आपको पहले ही बताया था कि चकोर चांदी का पीस चांदी की चेन में अपने गले में उनको आप पहना सकते हो। और दूसरा जब मंगल की उम्र निकलेगी तो वो अपने आप थोड़ा सा खत्म हो जाता है, तो मंगल की उम्र 28 साल के बाद ये जो दोष है ये थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर शादी नहीं हो रही, शादी में प्रॉब्लम है, या सामने वाला ऐसा इंसान है जिसने मतलब इसने लव मैरिज कर ली और सामने जो हस्बैंड है या वाइफ है वो मंगलिक नहीं है, तो उस केस में आप इनकी दोबारा शादी करवाओगे। अगर शादी नहीं हो रही या डिले हो रही है, या शादी के लिए लड़का मिल रहा है वो भी मंगलिक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई मंगलिक वालों की शादी 28 साल के बाद करो, 27-28 के बाद करो तो थोड़ा सा बेहतर होती है शादी जिंदगी। लेकिन अगर वो कर रहे हो, आपने जल्दी करनी है, तो पहले जो है इनका कुंभ विवाह होता है या पेड़ से शादी भी होती है, वो जहां भी ये रहते हैं वो वहां पे करवा सकते हैं। कुंभ विवाह आसान है, उसको कच्चे वो मिट्टी के घड़े से होता है, फिर उसको तोड़ देते हैं। थैंक यू दीदी जी। जी मैम मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ मैम एक है लगन में इसके चंद्रमा मंगल और राहु, ओके, फर्स्ट खाना नंबर 1 में है, तो मंगलिक होगा ये बच्चा? नहीं नहीं नहीं, मंगल नहीं है, क्योंकि मंगल अपनी भूमि का है, अपनी जमीन का मंगल है, और यहाँ पे राहु भी कंट्रोल हो गया और चंद्रमा भी इसका 1 का है, तो वो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से ज्यादा करके आप चंद्रमा हिला सकते हो, लेकिन बाकी 2 को राहु को यहीं रहने दो, वो दबा रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। और मैम क्या ये मतलब अगर अपने जन्म भूमि से दूर जा करके कोई काम करेगा तो उसमें फल अच्छा रहेगा, या यहीं पे रह के जन्म जहाँ पे जन्म स्थान है वहीं से रह के काम करे? रंजना जी ये चीज जो है हम 8वें घर में कौन है? 8वें घर में मैम एक सेकंड में बताती हूँ, 8वें में मैम शनि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं 8वां खाली है मैम, 8वां खाली है। 12वें में? 12वां भी खाली है मैडम। हाँ तो ये चीज जो है आपको भावचलित कुंडली में पता चलेगी कि भाई विदेश जाओगे या नहीं जाओगे, ये भी पंडित जी ने अपनी कई निशानियां बताई हैं हमें जांचने की कि भाई ये बच्चा बाहर जाएगा या यहीं पे रह के अच्छा करेगा। तो वो ऐसे तो एक खाना नंबर 1 से हम नहीं जांच सकते उसको। ठीक और है, आप क्लास ज्वाइन करें तो उसमें आपको ज्यादा ज्यादा नॉलेज मिलेगी, तो उससे आप काफी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो जी। मैम वो जो क्लासेस होंगी उसमें ये हर तरह की जैसे आप बता रहे हो कि वर्ष कुंडली और ये सारा कुछ बताएंगे बनाना? जी बिल्कुल जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
जस्ट टू ऐड नीति जी, ये लाल किताब एडवांस है। लाल किताब एडवांस के लिए जो टॉपिक है वो एडवांस लेवल पे है, लाल किताब बेसिक्स का अलग लेवल है। जिन्होंने लाल किताब बेसिक्स नहीं किया है उनको ये हम गाइड करेंगे, उनको ये परामर्श है कि लाल किताब बेसिक्स जरूर सीख लें एक बार। मे बी दे कैन नॉट डू विद लाइव क्लास, क्योंकि लाइव क्लास अभी प्लान में नहीं है, अभी क्लोज हुई है लाइव क्लास। एक लाइव क्लास लाल किताब बेसिक्स की वो लोग वीडियोज के माध्यम से सीख सकते हैं। सर जो हमारी लाल किताब वास्तु भी चल रही है ना, उसमें भी हम काफी हद तक बेसिक कवर करते हैं। करेक्ट है। तो वहाँ अभी स्टार्ट हुई है, तो अगर जिन्होंने नहीं किया और एडवांस में आना चाहते हैं वो इसमें आके अपना आगे एडवांस भी साथ साथ कर सकते हैं, तो उनको ये फायदा हो जाएगा कि भाई वो जल्दी लाल किताब को कवर कर पाएंगे। क्योंकि कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम जीरो इन एडवांस विल नॉट बी पॉसिबल, नहीं तो एडवांस का कोई सेंस नहीं रहता उसके। मैं एक बार यहाँ पे कोर्स की शीट लगा रहा हूँ, सो दैट एवरीबॉडी विल बी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड कि क्या-क्या चीज हम कवर करेंगे इसमें। नीति जी, कैन यू प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस? जी, मस्नुई के चक्कर। मस्नुई क्या है वो, कि भाई जब हम ये कहते हैं ये ग्रह फल का ग्रह और ग्रह फल का ग्रह आपको प्रॉब्लम दे रहा हो, तो हम कैसे उस ग्रह का इलाज करें, उसमें मस्नुई पंडित जी ने हमें बताया। आप मस्नुई को कैसे यूज करोगे वो आपको हम सही से बताएंगे। कॉम्बिनेशंस कि भाई जैसे कि आपने देखा कि अभी तीन ग्रह मेरे यहाँ बैठे हैं, चार मेरे वहां बैठे हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं किसका क्या करूं, तो वो कॉम्बिनेशंस आपको पढ़ाए जाएंगे। पंचायती ग्रह, पंचायत ग्रह की, यानी पांच ग्रह एक खाने में होना और पंचायत कैसे बनती है वो आपको बताया जाएगा। हमारा लाल किताब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कहाँ कहाँ आपको, जैसे कई बार हम देखते हैं कि ये रिश्ता कैसा है आपके लिए, वो रिश्तों की भी कहानी आपको लाल किताब बताती है आपकी ही कुंडली के माध्यम से, तो वो भी आपको बताया जाएगा। ताकि अगर आप कल को इसको प्रोफेशनली किसी को करके दो तो उसको उसके रिश्तेदारों की भी हालत आप बता सको। लाल किताब कुंडली कैसे बनानी है वो हम आपको सिखाएंगे। उच्च और नीच के ग्रह आपको इसमें बताया जाएगा। ग्रह फल के ग्रह कैसे और क्या कर सकते हैं उनके लिए वो भी आपको पूरा दिया जाएगा। 35 साला चक्र सिखाया जाएगा। इसमें ताकत के पैमाने जो होते हैं उनको आप वर्षफल में कैसे इस्तेमाल करें वो बताया जाएगा कि, और उसमें जो है आपकी क्या सावधानियां, क्या उपाय, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। जन्म हो रहा कि भाई कब आपने इस ग्रह को इस्तेमाल करना है, मतलब जब आप किसी को कोई उपाय करवाने जा रहे हैं तो किस चीज की सावधानी उसने बरतनी है और उसको उपाय कब आपने देना है वो भी आपको समझाया जाएगा। आपका अगर जो किस्मत का ग्रह निकल के आता है उसको वर्षफल में आप कैसे इस्तेमाल करें वो भी बताया जाएगा। और आगे जितने भी 1 से 12 ग्रह, यानी गुरु 1 से 12 के घरों में, गुरु चंद्रमा के साथ, गुरु सूर्य के साथ, गुरु बुध के साथ, गुरु शनि के साथ, गुरु राहु के साथ, गुरु केतु के साथ और गुरु शुक्र के साथ, ऐसे जहां जहां जो भी युति आज तक आप लोगों की या अपनी कुंडलियों में देख चुके हैं वो सारी युतियां कवर करी जाएंगी। इसको कहते हैं हम लाल किताब एडवांस। थोड़ा सा डिफरेंस है लाल किताब एडवांस के, ये वाले कंटेंट्स हैं, आई एम सॉरी, वो वाले कंटेंट्स में मेजर बेसिक के कंटेंट थे। दीज आर द कंटेंट्स फॉर द लाल किताब एडवांस। 12 प्लैनेट, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ 12 हाउसेस विद रिस्पेक्ट टू लाल किताब, कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स। यस नीति जी, आप बोलना चाह रहे हैं? सर इसमें लाल किताब ग्रामर नहीं है, ये एडवांस है, ये संपूर्ण वाले वो है। तो मैंने जो जैसे कहा आपको कि जो वो बताया जाएगा आपको 1 से 12 के घरों में क्या क्या प्लैनेट बैठते हैं, किस तरह के उनके उपाय हैं, आपकी 35 साला चक्र में जो दशाएं आई हैं, दरम्यानी ग्रह कैसे आपके काम करते हैं। मान लीजिए आपको गुरु की दशा चली, गुरु की अंतर दशा चली, तो गुरु अपनी दशा में कैसे काम करेंगे और आप उन वर्ष फल बनाने पे, महीना कुंडली बनाने में या चंद्रमा कुंडली बनाने में आप कैसे उनको उपाय कर सकते हैं वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। पंचायती ग्रह है, ग्रह के कॉम्बिनेशंस है, 1 से 12 के घरों में गुरु एक एक ग्रह के साथ जब बैठता है, अलग अलग ग्रह के साथ, तो वो क्या फल देंगे वो सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। प्लस
जो असली पंडित जी ने रिमेडीज दी हैं, जहां उन्होंने सावधानियां दी हैं वो सावधानियां बताई जाएंगी, जहां रिमेडीज दी हैं वहां पे रिमेडीज बताई जाएंगी। ओके, तो दिस इज द कोर्स मटेरियल, कोर्स कंटेंट जो अभी आपको नितिन जी ने बोला, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी कवर इनटू दिस। ये जर्नी 3 महीने की जर्नी रहेगी है, दिस इज द जर्नी फॉर 3 मंथ्स, एंड पर मंथ जर्नी फीस है 1579 × 3 = 4737। एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स दे विल गेट 15% ऑफ फॉर दिस मंथ एनरोलमेंट, ये सिर्फ अगस्त तक की है। 710 rupees विल रिड्यूस द नेट अमाउंट पेबल 4027 होगा, एंड द न्यू पार्टिसिपेंट 2107 × 3 = 6321, 25% ऑफ रहेगा, 1580 उनका ऑफ रहेगा, एंड दे कैन पे 4737 राइट एट वन गो। एंड ये आपके पास डिटेल है, नंबर बैंक डिटेल्स है, प्लीज शेयर दी फीस रिसिप्ट ऑन दिस नंबर ओनली टू गेट दी टू अवेल दी स्कीम्स। यही दो नंबर पे अपनी स्क्रीन शेयरिंग करें, रिसिप्ट शेयरिंग करें, ताकि आपको ऑफर अवेल कर सकें आप। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, एंड नाउ प्लीज यू मे प्रोसीड प्लीज। जी कैलाश जी का हैंड रेज है, कैलाश जी आप बोले। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। कैसा रहा लोनावला ट्रिप? अच्छा था, बहुत अच्छा था। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। I was landed in India after 24th of August, so I could not contact। अच्छा, मुझे ये पूछना था, ये जो आप एडवांस शिखर, इसमें लाल किताब कुंडली है, मकान है क्या? मकान कुंडली नहीं सर, लाल किताब वास्तु स्टार्ट हो चुका है हमारा, ये तो कुंडली से है पूरा, मतलब जैसे आपकी जो कुंडली होती है ये पूरी लाल किताब है एडवांस लेवल की। इसमें जैसे कि आप कहते हैं ना कि भाई प्लैनेट्स को कैसे आपने पढ़ना है और क्या इलाज देना है, वो सब सिखाया जाएगा। ओके, तो वास्तु शुरू हो गया कोर्स? हाँ जी, मैं ज्वाइन करता वास्तु भी और ये भी, मैं भूल गया। जो लाल किताब मकान कुंडली है ना? हाँ जी, वास्तु, लाल किताब वास्तु, हमें उसमें आप कुंडली प्रेडिक्शन करने सिखाएगा कि नहीं? नहीं सर, वो पूरा लाल किताब वास्तु है, लेकिन उसमें बेस में थोड़ा ग्रामर जरूर आता है, हम प्रेडिक्शन करना नहीं, हम तो उसको एडवांस में भी आपने कुंडली प्रेडिक्शन करना नहीं सिखाया था, इसका वजह से हमने उसमें पूरा सिखाया है, जो आप यहाँ पे सुमित जी हैं उनसे पूछे। हाँ जी, जिसका भी मतलब एक तो कुंडली लगा के जैसा हम लोग को बताना चाहिए था कि ये घर है इधर है ये, सर वो पूरा बताया है, पूरा बताया है। जैसे अब सुमित जी हैं उन्होंने किया है, शीतल जी ने किया है, आप उनसे पूछें। किशोरी लाल जी हैं एडवांस, लाल किताब एडवांस पे बताया है और पहले दिन बताया, आगे भी बताया जाएगा। लाल किताब एडवांस मतलब कुंडली लगा के मतलब प्रेडिक्शन करना सिखाओ सर। इतनी कुंडलियां डिस्कस हुई है उसमें जी जॉन जी, ये डिस्कस होता है। हाँ जी, जितने पार्टिसिपेंट्स थे सबके सबकी अपनी अपनी कुंडली डिस्कस हुई है उसमें। नहीं नहीं, मतलब कि आपने मुंह से बताया लेकिन उसमें नहीं लगाया, पोस्टर में लगा के अगर एक एक तो बताने से उसमें हम लोग को इजी पड़ेगा, मैं कहने का मतलब। तो सर वो नीति मैं बोलता हूँ, जॉन जी जैसा लग्न कुंडली लगा दिया ना, लगाने के बाद और एक लाल किताब की कुंडली डिस्कस होती है, कुछ कुंडली लगाई जा सकती है क्योंकि सारी कुंडली नहीं लगती है, देयर सम कुंडलीज कैन बी पॉसिबल टू डिस्प्ले, और कुंडलियां डिस्कस की जाती है तभी आपको लालकिता पकड़ में आएगी, अगर कुंडली डिस्कस नहीं होगी तो लालकिता आपके पकड़ में भी नहीं आएगी। प्लीज लिसन टू मी, कुंडली स्पेसिफिकली आपकी लगेगी ऐसा मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन कुंडलियां पार्टिसिपेंट्स की ही लगती है, पार्टिसिपेंट में किसी की कुंडली लग पाएगी उसके ऊपर डिस्कशन होगा, कुछ कुंडलियां लग के डिस्कशन होगा, कुछ विदाउट कुंडली डिस्कशन होगा, ताकि आप लोग कंसेप्ट को पकड़ पाए, आपकी स्पेसिफिकली लग पाए ये कुछ जरूरी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई हैव वन क्वेश्चन प्लीज। जी संजय जी बोले आप। सर ये संपूर्ण लाल किताब और ये एडवांस लाल किताब में डिफरेंस क्या रहेगा? संपूर्ण लाल किताब के अंदर बेसिक एडवांस
मकान कुंडली, लाल किताब वास्तु सब इंक्लूड होता है, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, लाल किताब, लाल किताब हम बोले बोले सर, लाल किताब बेसिक्स, लाल किताब वास्तु में कुछ कुछ टॉपिक संपूर्ण से लिए जाते हैं, पूरे टॉपिक नहीं होते हैं। संपूर्ण मतलब कंप्लीशन ऑफ लाल किताब, विच मीन्स की जो जो पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा लिखी गई किताब लाल किताब है उसकी संपूर्ण वो सिखाई जाती है। लेकिन लाल किताब बेसिक, लाल किताब वास्तु एडवांस ये उसका ही पार्ट है, उसमें कुछ पार्ट निकाल के सिखाए जाते हैं। कंप्लीशन लाल किताब एडवांस नहीं हो पाता क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए फिर बेसिक भी अलग करना पड़ता है, मकान कुंडली अलग है, उसकी फिर लाल किताब वास्तु अलग करना पड़ता है, वो अलग अलग करना पड़ता है। सर ये 1952 का पढ़ाया जाएगा? हाँ 1952 का। और ये सर कोर्स का दिन कौन सा रहेगा? ये मैं बता रहा हूँ, दो मिनट दे मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। सिद्धार्थ आप बताएं। सर नमस्ते, मैम नमस्ते। मैम वही सवाल आ रहा है, आप जो बोले थे ना वो वीडियो देखने से बेसिक का आ जाएगा कि वो मैडम बोल रहे हैं वो करने से आ जाएगा बेसिक का? दोबारा रिपीट करेंगे सिद्धार्थ जी। मैम वो बेसिक वाला जो पहले वाला वीडियो है वो देखने से आ जाएगा कि वो काफी, वो जो वीडियो है हमारा वो काफी आपको सिखा देगा, वो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि जो हमारी लाल किताब की क्लासेस होती हैं वो हम पूरी डिटेल से लेते हैं। और उसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन होते हैं ना आधे घंटे के बाद में, उसमें बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं, उसी में काफी चीजें लॉजिकली निकलती हैं, तो वो आपको कोई वो नहीं आएगी प्रॉब्लम। इवन की जो बेसिक है उससे आपको काफी समझ में आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगर आप उसकी खाली एक बार सुनने के, मैं हमेशा कहती हूं कि लाल किताब में एक चीज है, आप, मैं कोई नोट्स नहीं देती, आपको अपनी हाथों से करना है, अपने हाथों से लिखना है, तो ही आपके दिमाग में जाता है। अगर आप सुन के सिर्फ ये सोचते हो कि सामने वाला मुझे कुछ ऐसा दे देगा जिसको मैं पढ़ के मेरे को अपने आप एक ज्ञान आ जाएगा, वैसा नहीं है, आपको खुद अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे जो कि हम आपको पूरा बताएंगे, उसी से आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वो आप वीडियो के माध्यम से भी इसको कर सकते हो बेसिक को। और दूसरा जो हमारा अभी लाल किताब वास्तु शुरू हुआ है उसके, उससे भी करोगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा, जैसा आप चाहो। मैम वास्तु में हो जाएगा तो कर दूंगा ना जी। हाँ वास्तु में भी बहुत, क्योंकि ग्रामर हमें वास्तु के लिए भी चाहिए, एक्चुअली ग्रामर वास्तु के लिए पंडित जी ने बनाई है, बाकी तो उनकी सारी चीजें उन्होंने ग्रह को बताया है। ये टाइमिंग्स है 9 PM to 11 PM Tuesday and Thursday. The course is going to start on 1st of September 2022. So, जिन लोगों का 1st of September तक enrollment होगा, 9 PM to 11 PM classes होंगी Tuesdays and Thursdays of the week. 3 महीने की journey है ये, 3 महीने तक ये journey हम करेंगे इसको. Right? You can take a screenshot of it और आप group में भी आपके पास आ जाएगा ये. जो लोगों ने group हमारा join नहीं किया पहले, वो लोग अपना, हम group में link दे रहे हैं, वो लोग join कर सकते हैं. जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ ग्रुप है दे मे नॉट रिक्वायर टू जॉइन। दिस इज यू, मे प्लीज कंटिन्यू। जी सर। मैम संपूर्ण लाल किताब वाला कोर्स नहीं आ रहा है? सर संपूर्ण लाल किताब वाला कोर्स आ रहा है, वो सितंबर एंड में आएगा, अभी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं तो हम जब उनको वाइंड अप कर लेंगे तो फिर संपूर्ण वाला आएगा। संपूर्ण तो अपने में काफी पूरा वो है, तो अभी ये एडवांस करें तो बाद में संपूर्ण करेंगे तो दोनों में काफी पोर्शन तो सेम ही रहेंगे ना? हाँ हाँ काफी चीजें सेम रहती हैं, लेकिन संपूर्ण में जो है वो हम आपको लाल किताब में, मैं उसको ग्रंथ मानती हूँ, आप जितने उसमें गोते लगाओगे ना हर बार कुछ नया ही आपको मिलता है, वो ऐसा समुद्र है कि भाई उसमें जब घुसते हो तो कोई नया ही आप गुरु का कोई नया चीज लेकर बाहर आते हो। तो मैं इतने सालों में भी आज भी कहती हूँ कि भाई मैं अब भी आप लोगों के साथ सीखती हूँ, क्योंकि वो जो चीज है वो आपको बार बार एक अंदर से आवाज आती है कि ये ग्रह ऐसा है तो पंडित जी ने ये लिखा था, इसका मतलब ये भी है। तो काफी सारी चीजें सीखते हैं हम, लेकिन संपूर्ण अपने आप में बहुत अच्छा एक कोर्स है हमारा, जिसमें हम पूरा शुरू से लेके आखिर तक उनकी 5 किताबें कवर करते हैं, और वो काफी लंबा कोर्स चलता है हमारा। और ये मैडम 1952 की जो वेणी माधव गोस्वामी जी की जो किताब है वो इसमें कवर है संपूर्ण में? क्या हाँ संपूर्ण में नहीं, इसमें आपको एडवांस कोर्स में कवर हो जाएगी वो।
कवर हो जाएगी जी. ओके मैम, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट. मैम एक क्वेश्चन था मेरा जी. नमस्ते मैम. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लाल किताब में जैसे अगर हम पढ़ेंगे तो एक एक उन्होंने दोहे लिखे हुए हैं, एक एक तरीके का मतलब क्याफा है, फरमान है, ठीक है, और उसको उन्होंने फिर डिकोड किया है मतलब. तो क्या हम उस तरीके से उसको सीखने वाले हैं क्या कि ये फरमान है, इसका डिकोड इसका मतलब ये निकलता है, या हम लोग उसको एक ओवरऑल लेवल पे लेके चलेंगे? नहीं, हम उसको ओवरऑल लेवल पे लेके चलेंगे, क्योंकि पंडित जी के जो वो जो मुहावरे जो उन्होंने वो दिए थे कि उसमें भी बहुत गहराई है. और उसमें अगर काफी क्या होता है शील जी कि अलग अलग भाषा के लोग जुड़ते हैं क्लास में, तो मैं तो पंजाबी हूँ और काफी जो पंजाबी है वो तो भी समझ जाते हैं, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि भी उनको समझ में ही नहीं आते. मैं बोली इसका मतलब बताओ, तो इसलिए मैं ओवरऑल आपको प्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए, क्योंकि उसमें काफी उर्दू के वर्ड्स हैं और काफी पंजाबी है और एकदम ठेठ पंजाबी है उसमें. तो जो पंजाबी लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज वाले हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन हाँ जैसे हम गुरु साथ हम पढ़ते हैं तो जो पंडित जी ने एक मुहावरा उसके लिए लिखा है तो हम वो जरूर बताते हैं कि भाई पंडित जी ने ऐसा क्यों लिखा. वो हेलो हेलो हाँ मैम. हाँ जी सर जी. ये वास्तु जब लाल किताब वास्तु है तो जो वास्तु हम इंडियन में जो कहते हैं जैसे घर का ऑफिस का वास्तु कहते हैं वो है कि ये वास्तु कोई अलग शब्द का है? सर ये अलग होता है. लाल किताब की जो वास्तु कुंडली है वो भी अलग बनती है, और ये जो वास्तु है ये आपकी लाल किताब की कुंडली पे बेस होता है, प्लस वर्षफल और महीना कुंडली और दिन कुंडली पे बेस होता है. ओके, तो जैसे घर का वास्तु हम देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये इससे रिलेटेड नहीं है? मींस है तो वो एक डिफरेंट है क्या है? वो हाँ वो डिफरेंट है, क्योंकि पंडित जी ने जो खाने हैं उनकी दिशाएं अलग अलग बताई हुई है ना. ओके, तो ये कोई वास्तु कंसल्टेंसी में ये यूज नहीं होने वाला ना? कि नहीं, नहीं होता है, बिल्कुल होता है, मैं खुद करती हूँ इसको. अच्छा, लेकिन किसी का मकान देखने जाए तो इससे हो सकता है? हाँ, इससे आप बैठे हुए जैसे आपके पास कोई अपनी कुंडली लेकर आया, ठीक है, आप उसकी कुंडली खोलते ही उसको बता दोगे तेरे इस दिशा में ये पड़ा है, वो जाके हटा. अच्छा, ऐसा उसमें आ सकता है इतना? जी. अच्छा आप मुझे अपनी कुंडली बताएं, 1 से 12 के घर की वो बताएं. मेरी कुंडली में 7वें घर. अच्छा आप ही हैं. अच्छा, गुरु आपके 11 में हैं, ठीक है. ओके, फिर आपने क्या कहा था कि और कहा है? सूर्य आपके 8 के हैं. सूर्य राहु. हाँ, सूर्य शुक्र राहु. सूर्य शुक्र राहु 8 के हैं, ठीक है. अच्छा, आपका बेडरूम साउथ में है? नहीं, साउथ वेस्ट में है. ओके, तो उसकी दीवार तो आपकी साउथ की आ गई. आएगी आएगी, साउथ वेस्ट ऑब्वियसली आएगी. हाँ, और आपके बेडरूम में जो बेड है वो ऑरेंजिश लक्कड़ का है जिसके ऊपर वो पॉलिश होती है? नहीं, ऑरेंजिस लड़का का नहीं है, ब्राउन का है. किसका है? ब्राउन, ब्राउन. हाँ, तो वो लक्कड़ है ना ब्राउन जो शाइन देता है. हाँ. ओके, अभी मुझे ये बताएं कि आपके वेस्ट साइड में जो वेस्ट की जो साइड है घर की वहां पे आपने क्या पीला रंग और क्या किताबें रखी हुई है? कोई रद्दी जमा करते हो वहां पे किताबें, जैसे पुरानी किताबें होती है, जैसे मान लीजिए कोई बुक शेल्फ है जिसके अंदर किताबें पड़ी है? नहीं, वहां पे ऐसा नहीं, किताबें नहीं है, किताबें साउथ में है. मैम सारी साउथ में है? साउथ में है, करेक्ट, वेस्ट में नहीं. ध्यान से देखिएगा, वहां पे आपको किताबें मिलेंगी. और आपके घर में लिपटी हुई ओके लिपटी हुई रामायण या कोई ऐसी धार्मिक किताब जो कपड़े में लिपटी होगी, या आपके घर में कपड़ा है, मीन्स कपड़े रखते हैं जो वो किताबें वहां पे नहीं है. और आपके घर में किसी इंसान को ये आदत है कि वो अपनी किताबों को या कपड़े में लपेट के रखना, या कपड़े के जैसे पंडित जी ने कहा कपड़े का बस्ता, जैसे स्कूल बैग्स होते हैं ना, पहले जमाने में कपड़े के बैग्स होते थे, तो कपड़े का बस्ता आपके घर में किसी को आदत है लेके चलने की? ऐसा नहीं.
ध्यान दीजिएगा, आपके पिता रहे होंगे ऐसे, या आपके घर में कोई बुजुर्ग जिनको कपड़े का बस्ता ही एक उनका एक पेट थैला होता था जो लेके चलते थे वो। ओके, तो इस तरीके से नीति जी, अनु जी का हैंड रेज है। हाँ जी अनु जी पूछे। हाँ ओए सॉरी अनुराधा जी पूछे। हाँ गुड इवनिंग जी, मैं ये जानना चाहती थी कि वास्तु जो हम प्रोफेशनली करना चाहते हैं, उसको एज अ प्रोफेशनल लेना चाहते हैं, तो वैदिक वास्तु इज बेटर और लाल किताब वास्तु इज बेटर? अनुराधा जी दोनों ही अपने में अलग अलग पद्धतियां हैं। ऑफ कोर्स जो वास्तु, जो वैदिक वास्तु है वो तो हमारी नींव है, तो अगर आप उसको करते हो पहले वैदिक वास्तु को करके फिर यहाँ पे आप आके लाल किताब वास्तु करते हो तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अपने इंस्टीट्यूट में वैदिक वास्तु का कोर्स भी है? हाँ जी सर करवाते हैं राजीव जी। ओके सर्टिफिकेट मिलता है मैम उसका? हाँ जी बिल्कुल मिलता है। ओके थैंक यू मैम। और हम हमारी एकेडमी में आपको सिर्फ ऐसे नहीं है कि भाई आपको प्लान बनाना, हाथ पकड़ के सर बनाना भी सिखाते हैं, ताकि आप कहीं भी किसी ऐसे ऑटो कैड और इन लोगों के पास जाके पैसे खराब ना करें। यानी आपको बेसिक्स और टू एडवांस, एडवांस लेवल तो बहुत ज्यादा एडवांस सर सिखाते हैं, और बेसिक जो है उसमें आपको ऐसा कि भाई आप ग्राउंड लेवल से वर्क कर सको। ओके जी मैम, उसका अब मैम डिटेल्स हो तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे गोयल सर को बोल दीजिए, शेयर कर देंगे। जी नो प्रॉब्लम, आपके पास अभी सर ने हमारे नंबर्स दिखाए थे एकेडमी के, आप उस पे जो है आप वो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो उनसे। ये जो नंबर्स हैं इस पे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको टीम हमारी वो पूरा दे देगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। क्वेश्चन है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि लाल किताब सिर्फ रेमेडीज के लिए यूज होती है, इससे प्रिडिक्शन नहीं दिया जाता, उसके लिए आपको वेदिक या केपी करना पड़ता है, तो अगर अकेला लाल किताब का पूरा कोर्स करके प्रोफेशनली प्रैक्टिस करके प्रिडिक्शन और रेमेडी दोनों परफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, लाल किताब अपने आप में बहुत बड़ी पद्धति है, इसमें प्रिडिक्शंस भी हैं और इलाज भी हैं। वैदिक वाले इसी को यूज कर रहे हैं इलाज देने में, केपी में कोई इलाज नहीं है। ये ऐसी पद्धति है जो आपको बीमारी कोई दवाई भी इसके पास है और बीमारी बताएगी भी आपको। क्योंकि मैडम मैंने वैदिक थोड़ा बहुत किया, लेकिन इतने सारे कॉम्बिनेशन और इतने सारे डीप में जाना पड़ता है ना कि एक्चुअल में पिन पॉइंट कुछ निकाल नहीं सकते, जितना भी नया सीखो उतना नया कुछ आता ही जाता है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें हम सीधा सीधा ग्रह के बारे में आपको लॉजिकली समझाएंगे और लॉजिक से ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे इसमें कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं है। कॉम्बिनेशंस वही है कि भाई दो ग्रह साथ में बैठे तो उसका क्या मतलब होगा आपके लिए और कैसे इसका इलाज होगा, ये सब सीधा सीधा रास्ता है लाल किताब का। लेकिन इसमें दो घंटे में जो भी बच्चे का बर्थ हुआ होगा सबके लिए सिर्फ प्रिडिक्शन एक ही रहेगा सर? इसके अंदर जो है आपका जो वर्षफल बनता है या जो कुंडली बनती है ना, उसमें हम वहां पे ये देखते हैं कि भाई आपके जैसे आपका सूर्य 8 का है, किसी का सूर्य 1 का हो तो पिता कैसे रहे होंगे, तो वहां से जांच पहले कहते हैं कुंडली को दुरुस्त करना। पंडित जी कहते थे पहले कुंडली दुरुस्त होती है बाद में उसका इलाज होता है, तो ये दुरुस्त होता है वो भी हम आपको सिखाएंगे कि भाई कैसे कुंडली दुरुस्त करे, क्या पता जो आपको सामने वाला दे रहा हो वो गलत दे रहा हो, आगे पीछे का टाइम हो उसके, सिम्टम्स मैच करना है पहले। जी जी ओके ओके मैम, और ये एडवांस कोर्स करके फिर पूरा प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम थैंक यू। जी जी शील जी पूछे। मैम मेरे ये क्वेश्चंस थे बेसिकली लाल किताब के ऊपर कि जैसे अभी एडवांस कोर्स है तो इसमें रेमेडियल पार्ट जैसे लाल किताब में दिया या उसके अलावा भी कॉम्बिनेशंस को यूज करके विद एक्सपीरियंस जैसे रेमेडी बनाई जाती है ना, तो वो रेमेडियल पार्ट इसमें कवर होगा क्या? हाँ वो कवर होगा उसमें, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शील जी, एक सेकेंड मुझे जी। शील जी इसके अंदर जो रेमेडीज कवर होंगी वो लाल किताब एडवांस के लेवल पे कवर होंगी, लाल किताब बेसिक्स के अंदर काफी ज्यादा रेमेडीज दी जाती हैं, और क्योंकि बेसिक्स के अंदर रेमेडियल पार्ट बेसिक्स के लेवल पे कवर हो जाता है वहाँ पे,
जब लाल किताब आवास पढ़ते हैं, एक मिनट बताता हूँ, जब हम लाल किताब आवास पढ़ते हैं जी, हम कुंडली को डेप्थ तक जानने की, उसके कॉम्बिनेशन को जानने की चेष्टा करते हैं। रेमेडियल पार्ट काफी हद तक बेसिक्स में कवर हो जाता है, हाउएवर कुछ एडवांस रेमेडीज होती हैं जो एडवांस लेवल में कवर होती है। मैं इसको अगर मैं इसको बताऊं आप वो, तो रेमेडीज लाल किताब की मिल जाती है, बेसिक्स में भी एडवांस में भी दोनों में मिलती है। इम्पॉर्टेंट उसको जानना समझना होता है। लाल किताब आपको परख सिखाती है, अगर परख अगर ढंग से करी तो रेमेडी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेमेडी इज नॉट ए कंस्ट्रेंट ऑन लाल किताब, कंस्ट्रेंट इज दी परख। अगर परख सही से नहीं है, इट्स लाइक ए डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के हाथ में नबज अगर सही से आ गई तो डॉक्टर दवाई सही से दे देगा, अगर नबज सही से नहीं आई तो डॉक्टर की जो दवाई है वो कुछ का कुछ करेगी या कुछ ही नहीं करेगी। तो लाल किताब एडवांस आपको वो परख देगी अंतर तक जाने की, ताकि आप छोटी दवाई देके बड़ा काम निकाल सके, और नहीं तो आप 36 दवाई देते काम भी नहीं निकलेगा। जी जी जी, मतलब मैं वही कह रहा था कि जैसे बेसिक करते हैं तो बेसिक में एक नॉर्मल रेमेडियल पार्ट हर हाउसेस के लिए लिखा हुआ है कि अगर ये प्लान हाउस में आता है वहाँ पर है। तो जैसे एडवांस में अगर हम जाते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस जैसे आ जाते हैं तो उसकी एडवांस की रेमेडी फिर अलग आती है। हाँ, तो वो एडवांस में आएगा, वो कोई दूसरा कोर्स है उसका? नहीं, ये एडवांस लेवल पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज लाल किताब एडवांस, इसमें आएगा मतलब वो ना। आएगा। और दूसरा चीज मैं ये कह रहा था कि जैसे फरमान और कियाफा होता है, जैसे कियाफा होता है ना, तो कियाफा और फरमान को इसमें मतलब हम एक्सप्लेन करेंगे क्या, इसमें वो कवर होगा? सर कियाफा और फरमान जो है पंडित जी ने एक तरीके से, उन्होंने चार किताबें जो लिखी थी उर्दू की शुरू में, उसमें एक फरमान आए थे, जिसके बाद लोगों ने उनसे कहा जो कि भाई आपके जो ये फरमान है ये तो हमें समझ ही नहीं आए, तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है जो तीसरी किताब उनकी आई उसमें उन्होंने उन्हीं चीजों को वापस कियाफा यानी कि पूरा लिख के दिया एक्सप्लेन करने के साथ, तो है वो सब कुछ ही सेम। तो जब हम ओवरऑल लाल किताब को देखते हैं तो हम इसके अंदर पहले ये पंडित जी बताते हैं कि भाई कुंडली देखना, भाई कुंडली को आप कैसे जांचो, दुरुस्त कैसे करो, फिर उसके कॉम्बिनेशन देखना, कौन से घर का ग्रह कहाँ बैठा है, वो कहाँ पे देख रहा है, कहाँ से उसको टक्कर आ रही है, कहाँ पे उसको टक्कर वो दे रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो रिलेट करके ही आप किसी को उपाय दे सकते हो, प्लस जो वर्षफल उसका चल रहा है उसको कैसे आपने पढ़ना और क्या उपाय देना है। करेक्ट। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन था मैम कि जैसे अभी हमारे पास में कोर्स है संपूर्ण लाल किताब की, ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लाल किताब का और वैदिक का मेरा प्रैक्टिस है मतलब अच्छा, तो मेरा पॉइंट ये था कि क्या लाल किताब को पकड़ने के लिए, जैसे बेसिक पता है लेकिन मुझे नहीं पता शायद यहाँ बेसिक और ज्यादा अच्छा हो सकता है, मे बी मेरी अंडरस्टैंडिंग कम होगी, तो क्या मेरे को संपूर्ण लाल किताब करने के वो भी लेना चाहिए इसके साथ साथ, या मैं अगर इस पे फोकस करूं तो मेरा, क्योंकि मेरा बेसिक है तो ये कवर हो जाएगा, मतलब मुझे कंटेंट नहीं पता। दोनों अपनी जगह है, देखिए आपका जो दोनों अपनी जगह है, लाल किताब बेसिक्स, नीति जी एक मिनट, नीति जी आपका माइक म्यूट हो गया, एक मिनट रुकें, लाल किताब बेसिक, अगर आपका आपको बेसिक पूरे अच्छे से आता है जी जी जी, लाल किताब बेसिक्स, लाल किताब एडवांस, लाल किताब संपूर्ण, लाल किताब वास्तु, सारे सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह स्टैंड करते हैं। संपूर्ण का मतलब कंप्लीशन होता है, अगर आप कंप्लीशन करते हैं तो आपको लाल किताब एडवांस या बेसिक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पे कवर हो जाएगा। अगर आप बेसिक एडवांस वास्तु अलग अलग करते हैं तो वो आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। हाँ, वो मतलब कट है, वो कट हो गया, समझ गया, ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉट इट, ठीक है। प्रेरणा जी आप पूछे। मैम मेरा ये क्वेश्चन है मैम, जैसे कईयों के पास कुंडली नहीं होती है तो हम ऐसे कोई बेसिक कोर्स है जिसमें हम सिम्टम्स जान ले प्लैनेट के और जनरल रेमेडी दे सके जो कोई नुकसान भी ना करे? सेना जी, अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो इसमें लाल किताब में पंडित जी ने सिम्टम्स बेस ही बताए हैं सारे ग्रहों को, जिसको हम कियाफा और फरमान कहते हैं कि भाई ये ग्रह यहाँ है तो इसका ऐसा होगा, तो उस हिसाब से हम कुंडली का निर्माण भी कर सकते हैं। तो उसके हाँ जी, हाँ, पर प्लस इंसान की बनावट और दांत, पैर की उंगलियां, पैर के नाखून, हाथ के नाखून, ये सब भी बहुत सारी चीजें बयां करते हैं, तो इससे भी आप कुंडली का निर्माण कर सकते हो। तो मैम इसमें वो बेसिक रेमेडीज होती हैं जो जनरली इंसान हर कोई कर सकता है, लाइक वो नुकसान नहीं करेंगी आपको?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जैसे अब जब हम मैं पढ़ाती हूँ लाल किताब एडवांस, तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई जैसे कोई ऐसी ग्रह की रेमेडी है कि भाई ये तभी करनी है, तब मैं ये बताती हूँ कि भाई ये तभी करनी है, ये आप कब कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, ये कितनी बार कर सकते हो, वो सब क्लियर किया जाता है। ठीक है मैम। और मैम मेरा एक और क्वेश्चन, मैंने आप कोर्स देखा था सोप नक्षत्रास का मैम, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो एक वीडियो, बट फिर मैंने सर से उनकी रिकॉर्डिंग मांगी तो वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं है, तो वो कहीं होने वाला है मैम अभी? वो रिपीट होगा लेकिन एंड ऑफ ईयर या नेक्स्ट ईयर में होगा। पेंडा जी उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आप एकेडमी में संपर्क कर सकते हैं। सर मैंने वो करा है तो इशिका जी ने मुझे बोला कि वो रिकॉर्डिंग्स में नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगा वो दोबारा एक बार आप बात करना इशिका को, हम बता देंगे। और अभी वो जब दोबारा रिपीट होगा वो मे बी दिस ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में होगा, उसको आप रिपीट ज्वाइन तब कर सकेंगे। तो आप इशिका से बात कर लीजिएगा, हम बोल देंगे उसको, शी विल हेल्प। ठीक है ओके सर, थैंक यू मैम। और मैम एक रिक्वेस्ट है, अगर जो आपसे ये लाल किताब गोचर करता है, लाल किताब एडवांस करता है, तो जब संपूर्ण वाला कोर्स आएगा और उसको वो भी करना है, तो वो टाइम भी ये तीनों कोर्स जिसने किया उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा? नहीं जी, दोनों अलग चीज है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कोई दोनों में कोई कॉम्बिनेशन लिंक नहीं है सच। ओके, ये तीनों कोर्स जिसने किया होगा उसको वो पूरा अलग से लेना पड़ेगा? हाँ, अगर उसको संपूर्ण करना तो अलग ही है, देयर इज नो कॉम्बिनेशन इन बिटवीन। ओके आशीष जी आपका पूछे क्वेश्चन। नमस्कार जी। जी मैं अपने ये कुंडली के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था कि मैं कोई भी रेमेडी या उपाय करता हूँ तो मैं पूरा नहीं कर सकता, मैं इसका क्या कारण होगा? मैं अब कहो तो मैं आपको आपकी मेरी अपनी पूरी कुंडली बता देता हूँ। नहीं सर, आप क्या कह रहे हो कि आप जब भी कोई उपाय शुरू करते हो उसको पूरा नहीं कर सकते? पूरा नहीं कर सकता मैं, कर्क लग्न है मेरा। ओके, और चौथे भाव में शनि है, पंचम पूरा, में गुरु है। पूरा नहीं कर सकते, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं या आप खुद ही छोड़ देते हो? खुद ही मन ही नहीं करता है वो उपाय करने का, चलो यार छोड़ो नहीं करना, ऐसा हो जाता है। आपका राहु नौ में है क्या? क्या राहु से कोई, राहु का कोई नौवे घर से ताल्लुक है? नहीं, राहु मेरा बारहवें में। ओके, और नौवे घर में क्या है? नौवा घर खाली है। नौवा घर खाली है और राहु बारह में है, तो हाँ तो फिर नीच के राहु हो गए ना। ठीक है, वो आपको, लेकिन ये सारी चीजें तो वर्ष फल से पता चलती है, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो उससे आपको काफी पता चल जाएगा कि भाई क्यों मन नहीं चाहता है, क्योंकि नौवे घर में गुरु कहाँ है? गुरु पंचम है मैम। कहाँ पे? पांचवें भाव में, पंचम। पांचवें भाव में, ओके। और ग्यारहवें में कौन है? ग्यारहवें में चंद्रमा है। ओके, तो राहु पीछे जाता होगा फिर। ठीक है आशीष जी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जो है ना, जब आप डिटेल में उतरते हो ना तो बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकती कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह आगे पीछे सरकता होगा, तो वो भी उस तरीके से भी कुंडली देखना सिखाया जाएगा। बुधर केतु छठे भाव में, सूर्य शुक्र सातवें में है जी। ये तो आप अपनी वैदिक की बता रहे हो ना, कुंडली देखने के वक्त तो ग्रहों के बहुत सारी चीजें देखी जाती है ना, उनके अंश देखे जाते हैं, उनके भावचलित में उनकी मूवमेंट देखी जाती है, वर्ष फल में उनका प्लेसमेंट देखी जाती है, तो उस हिसाब से ही हम बता पाते हैं सारी चीजें। ये तो तब की पिक्चर है जब आप पैदा हुए थे, तो तब की कुंडली है। आशीष जी, कुंडली लालकिता भी कुंडली को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी कि वर्ष फल के साथ कनेक्टिविटी कैसे बनती है। वर्ष फल से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हम कुंडली के अंदर हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारी जन्म से है, वर्ष फल हमारे को बहुत चीजें डिफरेंट तरीके से बताता है, तो आप उसको समझें, देखें, उसके लिए आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अनु जी आपका क्वेश्चन पूछे। मैम मैं ये जानना चाहती थी कि अगर हमने लाल किताब का बेसिक नहीं किया तो हम डायरेक्ट ये एडवांस कर सकते हैं? दिक्कत होगी, आप कर सकते हैं लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी। आपको सजेशन ये मिलेगा कि आप एक बार बेसिक की वीडियोस को गो थ्रू कर लें ताकि आपको पकड़ने में दिक्कत ना हो सब्जेक्ट। अगर आप बिना गो थ्रू के करेंगे तो पकड़ने में सब्जेक्ट दिक्कत आएगी,
एडवाइस ये दे। ओके सर। राइट, सो आई थिंक अभी और किसी के प्रश्न्स नहीं है और आई थिंक 7:30 से ऊपर भी हो गया टाइम, तो नीति जी आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, काफी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। राइट, तो हां जी, जो लोग लाल किताब पढ़वा सीखना चाहते हैं और बेसिक्स नहीं किया, वी रिक्वेस्ट यू टू टेक बेसिक्स की वीडियोस लेके सर एक बार समझ लें और उसे सीख लें, आ जाएगा, इजी सब्जेक्ट है, समझ में आ जाएगा, तब एडवांस में आ जाए। एडवांस के आने में भी टाइम है और एक दो क्लास एक्स्ट्रा भी जा सकेंगे हम, और जो पड़ेगी तो जो लोग बेसिक्स की वीडियो लेंगे इफ रिक्वायर्ड हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी डिजाइन कर लेंगे, तो दिस वी विल लुक हाउ दिस थिंग्स आर गुड मूविंग ऑन। इम्पॉर्टेंटली ये कि आपको लाल किताब का थोड़ा टच होना चाहिए लाल किताब एडवांस के लिए, इम्पॉर्टेंट ये, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है उसको ऐसे क्लियर करना। एडवांस लाल किताब आप बिलीव करें जो सब्जेक्ट डिलीवर करने वाली है नीति जी, द सब्जेक्ट मार्केट में ये सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल एट दी एडवेंसली फीस। नीति जी जो सब्जेक्ट कर रही है मार्केट में नहीं मिलेगा लाल किताब एडवांस, इज अ वेरी कॉस्टली सब्जेक्ट बिलीवर्स, और जिन लोगों को आधे लोगों को तो नहीं समझना आता है सब्जेक्ट है कैसे, सब जैसे नीति जी ने बोला कुछ कहीं से जोड़ के कुछ कहीं से जोड़ के बता दिया जाता है, नहीं क्लियर होता। तो अगर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो लाल किताब, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी दैट कैन टीच यू लाल किताब, इससे अच्छी फैकल्टी आपको नहीं मिल पाएंगी लाल किताब के विषय में जानने के लिए समझने के लिए, और एट दिस रेट यू विल नॉट फाइंड। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लाल किताब एडवांस या लाल किताब वास्तु अभी स्टार्ट हुआ इसलिए दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन ज्वाइन इट। रिपीट के लिए हमारा एक कमिटमेंट है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं जिन्होंने लाल किताब एडवांस का लास्ट बैच किया था, लास्ट बैच आई थिंक इट वाज इन द मंथ ऑफ दिसंबर इफ नॉट रॉन्ग, जो भी लाल किताब एडवांस का लास्ट बैच हुआ था, दे आर एलिजिबल फॉर फ्री एनरोलमेंट इनटू द लाल किताब एडवांस के दूसरे इसमें। ये अकेडमी हर पार्टिसिपेंट को ऑफर देती है, जो भी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नेक्स्ट बैच होता है उस सब्जेक्ट का, उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मोडालिटी का उसमें रिपीट उनको फ्री मिलता है। दिस बी फ्रॉम ऑल फैकल्टीज एंड द एकेडमी टुगेदर वी प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल अवर गेट पर्सन्स। तो इसके साथ भी और कोई फीडबैक कोई बात करना चाहेगा? सुमित जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हम लोग को रिजॉइन करने मिलेगा ना सर? जी जॉन जी, बिल्कुल मिलेगा। आपने अगर एडवांस लिया किया है पहले, अभी एडवांस शायद 9 दिसंबर में एडवांस में क्या अभी फरवरी में हुआ था, फरवरी वाला बैच था जो एडवांस हुआ था एंड राइट, तो जिन्होंने फरवरी एडवांस किया था उनको ये मिलेगा। हाँ मैंने किया एडवांस, तो उसमें नहीं किया, रिकॉर्डिंग सिर्फ लिया था आपसे। हाँ तो ये आपको मिल गया। हाँ जी जी, संपूर्ण संपूर्ण क्या है, संपूर्ण मैंने इतना बेसिक किया फिर संपूर्ण आ गया 20 में। हाँ तो आप एकेडमी से बात कर लेना, वो बता देंगे आपको संपूर्ण के। ये अभी तो मैंने ये भी ज्वाइन किया था आपका, ये क्या बोलता लाल किताब वास्तु मकान के विषय में, आप संपूर्ण के विषय में एकेडमी के नंबर पर आप फोन कर लेना, वो आपको बता देंगे। थैंक यू सुमित जी, आप क्या करते बताएं? मैं तो यही बोल रहा था जी कि आई स्टार्टेड माय एसोसिएशन विद यू विद नीति जी, सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हर्स एंड आई कीप प्रेइंग फॉर हर वेल बीइंग एंड हर हैप्पीनेस एंड आई एम अ वेरी बिग वेल विशर ऑफ द एकेडमी, सो आई होप एवरीबॉडी डज वेल एंड ऑल्सो यू आर एबल टू टीच अस, दैट्स आई थिंक आवर गॉड गिफ्टेड divine we are blessed that we got to associate with you. Thank you, very humbled, I know I'm not kept in touch with you but I get humbled whenever I speak to you, ma'am. So nice of you Sumit ji, this is our pleasure ki aap hamare sath jude hain. Basic ka jo hai 1 month ka hai ki 2 month hai jo aap video jo keh rahe ho? Basic bhi 3 mahine ka, advance bhi 3 mahine ka. Okay. Siddharth ji aap bole. सर वो बेसिक में पीडीएफ है कि नोट करना पड़ेगा? सर सब में नोट करना पड़ेगा, मैं लाल किताब का पीडीएफ नहीं देती, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है, ग्रेट।
खुद के लिखने से काफी प्रैक्टिस होती है। लाल किताब के जो उपाय है ना, खुद के लिखने से ही समझ आते हैं। रेडीमेड करने से लाल किताब के उपाय हमारे बाई हार्ट नहीं बैठते, हमारे हमारे ध्यान में नहीं बैठते, और फिर हम अंदाजे में करते हैं काम तो कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए हमें उसको पढ़ना, लिखने से ही हमारे को याद आते हैं, ऐसे याद नहीं होता, रेडीमेड नोट से याद नहीं होता लाल किताब। दैट इज द रीजन नीति जी ऑलवेज प्रेफर टू राइट फ्रॉम देयर ओन हैंड्स। सो आई थिंक आज की जर्नी यहाँ पे टाइम आ गया है, मैच भी शुरू हुई है, ऑल आर वेटिंग फॉर द मैच टू ज्वाइन इट। सो आज की वेबिनार को यहाँ पे समाप्त करने की आप सबसे ज्यादा चाहेंगे। लाल किताब की जर्नी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी, वास्तु ऑलरेडी चल रहा है लाल किताब वास्तु, दोज आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन इट। एंड लाल किताब बेसिक जिसको करना है वो अकेडमी से बात कर सकते हैं, दे विल हेल्प इट। संपूर्ण के बारे में भी अकेडमी से बात कर सकते हैं, दे विल हेल्प इट टू अंडरस्टैंड। आप सब लोगों का आज की क्लास, आज की वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके टाइम के लिए, आपने प्रीशियस टाइम दिया अपना आप सब लोगों ने। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार।